देखिए इंग्लिश में एक शब्द है आपका कंपंक्शन, सी ओ एम पी यू एन सी टी आई यू एन कंपंक्शन। तो इस वीडियो में कंपंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है दोनों में जानेंगे, एग्जांपल से सेंटेंसेस में यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम हिंदी में समझते हैं कंपंक्शन का अर्थ और मतलब। देखिए कंपंक्शन का मतलब होता है मलाल, पछतावा, तौबा, पश्चातापी होने का अर्थ या भाव। उसको हम कंपंक्शन बोलते हैं, किसी के गलत काम पर या पाप के लिए खेद, गलतियों पर पछतावा, प्रायश्चित, ग्लानी, परिताप को हम कंपंक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स आते हैं रिपेंटेंस, द एक्शन ऑफ फीलिंग और शोइंग सॉरो एंड रिग्रेट फॉर हैविंग डन रॉन्ग, मतलब पेनिटेंस, पेनेंस, रिग्रेट, रिमोर्स एंड इट इज, मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं कंपंक्शन के। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं, जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे हम लोग, ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट ट्रिकिंग हर वाइफ, उसे अपनी पत्नी को धोखा देने का कोई मलाल नहीं था, कोई ग्लानी नहीं थी उनको, कोई खेद नहीं था, अफसोस नहीं था मतलब। दूसरा एग्जाम्पल, ही फील्स नो कंपंक्शन अबाउट हिज क्राइम्स, उसे अपने अपराधों पर कोई पछतावा नहीं है। तो कंपंक्शन का मतलब पछतावा, मलाल, मतलब रिपेंटेंस या पेनिटेंस के अर्थ और मतलब में आता है कंपंक्शन। ठीक है, तो मैंने आपने कंपंक्शन शब्द को हिंदी इंग्लिश में एग्जांपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।